बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सबको फर्स्ट ऑफ ऑल सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ताला सबके रमज़ान जो है सबके लिए खुशहाली का बाइस बने, सबकी परेशानियां दूर हों समेत मेरे, आमीन या रब्बिल आलमीन। और यहाँ पे हो रहे हैं टाइम तकरीबन 11:30 और मैं यहाँ पे आई हूँ कुछ कुकिंग करने। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ स्प्रिंग रोल, ठीक है। उसके लिए मैंने ये थोड़ा सा क्या कहते हैं आलू, गाजर और चिकन ये बॉईल होने के लिए रख दिया है। ये पट्टियाँ मैं लेके आई थी, इसके बनाऊँगी क्योंकि दावर का भी आज रोज़ा है। जिस दिन छुट्टी है ना उस दिन ही बच्चों को जो है ना वो आप रोज़ा वगैरह कर सकते हैं, आगे पीछे भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे इसके लिए बनाऊंगी थोड़ी कढ़ाई, और कढ़ाई जो है ना वो मैं मिट्टी की हंडिया में बना रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मिट्टी की हंडिया की मैं एक टिप दे दूँ, बहुत सारी मेरी प्यारी सी बहनें होंगी जिन जो मिट्टी की हंडिया ख़रीदती हैं और वो बहुत जल्दी जो है ना दराड़े आके टूट जाती है। तो आप जब एक काम किया करें, जब भी आप मिट्टी की हंडिया जैसे कि स्पोर्ट फर्स्ट टाइम लेके आए ना, पहले तो आपने एक पूरी रात और पूरा दिन आपने उसको पानी में भिगो के रखना है, ठीक है। मिट्टी की हंडिया को कोई बाल्टी बड़ी बकेट या फिर टब ले लें, उसमें पानी में इसको डिप करके रखना है, ठीक है, और इसके अंदर भी पानी डाल के। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद कोई भी घर में गमला पड़ा है ना उसकी मिट्टी लें, गीला हाथ करके, गीली थोड़ी सी वो मिट्टी करके पूरी आपने ये देखे पूरी इस तरह इसके ऊपर मिट्टी लगा देनी। इस इंशाल्लाह आपकी इस तरह मिट्टी की हंडिया कभी भी नहीं टूटेगी, ठीक है। अभी भी मैंने पकाने से पहले बाहर इसको पहले वॉश किया, वॉश करने के बाद इसमें सारी अभी मिट्टी लगा के बाहर, क्योंकि बारिश हो रही थी, मिट्टी को आपने पहले सुखा लेना है पकाने से पहले, ठीक है। तो मैंने आग ही जला के ना उसके ऊपर इसको घुमा घुमा के तो खुशक कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हम कुकिंग करना शुरू कर देंगे, ठीक हो गया। ये छोटी सी एक टिप थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। और यहाँ पर जस्ट मैं प्याज, टमाटर, गोश्त, बीफ का है तो सारा कुछ डाल के इसको बस पकने के लिए दम पे छोड़ दूँगी, बाकी तैयारी आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। अभी हमारे यहाँ पे रोज़ सब्ज़ी वाले नीचे आते हैं, तो ये फ्रेश फ्रेश उनसे अभी मैंने पालक ली है, सब्ज़ प्याज लिया है, धनिया और पुदीना। अभी सब्ज़ प्याज काट के मैं स्प्रिंग रोल में शामिल करूँगी, पालक जो है वो थोड़ी सी देखती हूँ अगर पकौड़े बनाने हुए, वरना इसको काट के फिर रख लेती हूँ क्योंकि इफ्तारी में ज़्यादा नहीं खाया जाता और मुझे तो वैसे ही थोड़ा किडनी प्रॉब्लम है। तो जस्ट फिर आज स्प्रिंग रोल बनेंगे और थोड़ी चिप्स बनेगी, ये मैं काट के सेव कर लूँगी अगर कल पकौड़े वगैरह बनाने हुए। यहाँ पे अभी मैं सारा जो है ना जो रोल बनाने हैं उसी की चीज़ें थोड़ी बहुत कट करने लगी हूँ, क्योंकि मेरा जो है ना ऑलमोस्ट ये थोड़ा सा बस बॉयल होने थोड़ी सी कसर रह गई है। यहाँ पे ये भी मैंने दम पे रख दिया है सारा कुछ डाल के। जल्दी से हम थोड़ी सी बंद गोभी की कटिंग कर लेंगे और शिमला मिर्च, साग, सब्ज मिर्च, इन सब की थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे रोल बना के तो मैंने पहले रखने थे, लेकिन मैंने जैसे कि अपने पिछले ब्लॉग में भी बताया था कि मुझे किडनी स्टोन है, तो उस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो गई, उस वजह से मैं कर नहीं पाई हूँ। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की सारी तैयारियाँ मेन मेन कर ली थी, रोल मैं बना तो नहीं रख सकी। तो अभी भी शायद मुझे थोड़ा इशू है, मेडिसिन मेरी चल रही है, लेकिन ये है कि आपको बच्चों की फरमाइशें चीज़ें भी पूरी करनी होती हैं। तो आज तो वैसे भी दावत का रोज़ा है, तो फिर मुझे था कि ज़रा उसके लिए थोड़ा जो है ना स्पेशल कर दिया जाए, और होपफुली सबके घर में इसी तरह चीज़ें बनती होंगी इफ्तारी की। रमज़ान का अपना एक ना मज़ा है, अपनी उसकी देखें रहमत ही है, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुआ है मौसम बहुत ज़बरदस्त हुआ हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे सर्दी जो है ना वो दोबारा आ रही है वापस, या सर्दियां शुरू हो रही हैं, ऐसे फीलिंग हो रही है। और इस्लामाबाद में तो यहाँ पे तकरीबन
3 दिन हो गए लगातार बारिशें, कल भी बहुत ज़्यादा झालाबारी हुई है, परसों इसी तरह बारिशें लगी हुई हैं। और ख़वातीन के लिए तो फिर जारी बात है, घर के कामों में तो आप छुट्टी नहीं ले सकते, आप बीमार हों तंदुरुस्त हों, और ख़ासकर जो जिनके पास कोई भी ना हो, कोई सर्वेंट वगैरह की सहूलत या कोई हेल्पर की सहूलत, तो वो फिर उनके लिए सारा घर खुद ही मैनेज करना उनके लिए ज़रूरी होता है। तो चलें बस ये कटिंग शटिंग करके मैंने रख ली है, इसमें मैंने बंद गोभी डाली है, शिमला मिर्च थोड़ी सी डाली है, सब्ज़ मिर्च डाली है, और ये थोड़ा सा सब्ज़ प्याज डाला है। Later. A few moments later. अच्छा जी, यहाँ पे हमारे रोज़ादार, छोटा रोज़ादार आ चुके हैं, तशरीफ ला चुके हैं। हाँ जी, रोज़ा तो नहीं लगा? थोड़ा थोड़ा। भूख लगी या प्यास लगी? भूख लगी, प्यास नहीं लगी, है ना, क्योंकि वो मौसम ठंडा था ना, इसलिए प्यास नहीं लगी। और यहाँ पे सारी ना दावत की फेवरेट चीज़ें हैं, इसका टैंग है, फ्रूट चाट है, कड़ाही है, चन्ना चाट है, और रोल हैं, चिप्स इसके नीचे आई हुई है, चिप्स है, और ये क्या है, ये पफ्स हैं, ठीक है, पफ्स वही हैं। अच्छा जी, ये सारे ये दावत का जो है ना, वो इसकी फरमाइश पे ये सारा जो है ना मेन्यू बनाया गया है। चलें जी, मिलूंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सबको अपनी अपनी हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें, ठीक है, खुश रहें और खुश रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।